तो हम लोगों ने पहले हम क्या किया था, मात्रा है अ से अंतर, ठीक है। अपना अपना सी डब्ल्यू बुक निकालो और सी डब्ल्यू बुक के ऊपर जो मैं मात्राओं के शब्द लिखते जाऊंगी वो साथ में लिखते जाना है आपने, ठीक है। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कौन से वर्ण को कौन सी मात्रा प्रयोग की जाती है लिखने के लिए और उसे कैसे प्रोनाउन कैसे बोला जाता है। तो सबसे पहले आप जरूरी बात यह है कि एक लेसन में सिर्फ इतने दिन से आप लोगों को मात्राएं ही पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप आगे जाके हिंदी लिखोगे, शब्द लिखोगे, तो उसमें सबसे मेन जरूरी क्या होती है, वर्णों की मात्राएं। अगर आपको वर्णों की मात्राएं सही ढंग से लगाने नहीं आएंगी तो फिर आपके शब्द जो आप लिखोगे, क्वेश्चन आंसर लिखोगे या कोई लिखो जो भी लिखोगे, फिर वो क्या हो जाता है, सारे शब्द गलत होते जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को किस बात का पता होना चाहिए, मात्राओं का, एकदम परफेक्ट मात्रा यानी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले अ से लेके आ तक अभी हमारी सब मात्राएं हम लोगों ने कर ली है, लेकिन मैं एक बार आप लोगों को अ से आ तक के 10 वर्ण शब्द लिखाऊंगी, उनको आपने अपनी सी डब्ल्यू बुक पे अभी लिखना है। तो सबसे पहले है अ, ठीक है, अब मैं लिखूंगी क, उसमें ओनली क अ की साउंड आ रही है, ओके। और ब, तो ये बन जाता है क, ठीक, ये हो गया नंबर वन। बोर्ड दिख रहा है ना सामने, ओके, तो लिखते जाओ अभी साथ में अ से आ तक। फिर अभी दूसरी, अब अ के बाद क्या आता है, आ, तो आ प्लस म क्या बन जाता है, आम, ठीक। उसके बाद है ई, तो ई के मात्रा कैसे लगाई जाती है, ये, तो की प्लस ता प्लस ब बन गया किताब, किताब नोटबुक पे लिखो, सी डब्ल्यू बुक पे जल्दी किताब, ठीक है। फिर उसके पास है बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है, जैसे छोटी ई की मात्रा है वैसे ही बड़े ई की, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ब प्लस क प्लस री, ऐसे होती है बड़े ई की मात्रा, ये है छोटी ई की और ये बड़ी की, तो इनको हमने आपस में जोड़ा तो क्या बन गया, बकरी, ओके। फिर है फिफ्थ नंबर पे, अब ई के बाद क्या आता है, ऊ, क्या आता है, ऊ, तो अभी ऊ का, तो ग, उसको ई छोटे ऊ की मात्रा प्लस ला प्लस ब क्या बन गया, गु लाब, ओके। यहां तक कंप्लीट हुआ सबका, ये हो गए पांच ऊटर, ठीक। अभी मैं नेक्स्ट बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा में कैसे होते हैं, ऊपर की तरह, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, स, उसमें बड़े ऊ की मात्रा, र और ज, क्या बन गया, सूरज, सूरज, ठीक है। उसके बाद है सेवन नंबर क, अभी ऊ की हो गई, अभी उसके बाद आएगी कौन सी मात्रा, री की, तो री की मात्रा के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक क, क के पैरों में री की मात्रा, उसके बाद है श, उसके बाद क, ठीक है। तो ये क्या बन गया, री श क, कृषक, ये हो गई री की मात्रा। उसके बाद है एक नंबर पर, री के बाद क्या आता है, ए,
क्या क्या है ए, तो एक कैसे ए की मात्रा कैसे लगाई जाती है, स प्लस बे प्लस रा, क्या बन गया स बे रा। ओके ये हो गया सबेरा। यस अभी उसके बाद लिखो नाइन नंबर, ए के बाद क्या आता है बड़े ऐ की मात्रा, तो बड़े ऐ की मात्रा के लिए कैसे म, मो को ऐ की मात्रा मैं बन गया, फिर दा, फिर न और फिर ये क्या बन गया मैदान, मैदान। ओके मैदान हो गया। फिर टेन नंबर पर पहले ये वाला कंप्लीट करो, क्योंकि नीचे लिखा ना तो आपको नहीं दिखेगा, पहले ये कंप्लीट करो, होने के बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट ऐसी होगी ओ और औ की बताऊंगी, पहले इतना तक कंप्लीट कर लो। जब ये 1-5 तक कंप्लीट हो जाएगा छोटे ओ की मात्रा तक, तो उसके बाद मुझे बोलो कि मैं कंप्लीट हुआ तो मैं ये रब कर देती हूँ, और मैं भी 2 मिनट्स में रब भी कर दूंगी, जल्दी लिखना। पहले दो कंप्लीट हो गए हैं, पहले दो कंप्लीट हुए ओ और आ की मात्रा के, नो अभी तक दो भी नहीं हुए, जल्दी लिखो क प्लस ब कब, आ प्लस म अब। उसके बाद है यहाँ पे मैंने तो लाइन लगा दी, ठीक है ये मैंने पहले से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी ए के बाद क्या आता है ओ की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा आएगा, ओ की मात्रा कैसी होती है, अब देखो को 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 मैंने ओ की मात्रा लगाई तो बच गया को, फिर य, फिर ल, को प्लस य प्लस ल, इनको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा कोयल, क्या बन जाएगा को य ल कोयल। यहाँ तक हो गई औ की ओ की मात्रा, फिर आएगा औ की, तो औ की मात्रा कैसे लगाते हैं, यस दिख रहा है अभी, हाँ लिखो फिर जल्दी लिखो, राइट। आप लोग पहले ये प्लस का लिख लो, ठीक है वो आप भी बना सकते हो, मैंने बताया है कि कैसे प्लस को हटाना और वर्णों को जोड़ देना और शब्द बन जाता है। कोयल तक हुआ, बाय बाबा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना सामने, देखो अभी दिखा, हाँ लिखो